एज पर वास्तु, हमारे घर की मेन एंट्रेंस कौन सी डायरेक्शन में हो, इसके लिए बहुत सारे सवाल, बहुत सारी क्वेरीज आते रहते हैं। बिकॉज़ जो मेन एंट्रेंस है, जहाँ से मेन एनर्जी हमारे घर में आनी है, वो बहुत बहुत मैटर करता है कि साउथ में है आपका मेन डोर या वेस्ट में है, ईस्ट में है, नॉर्थ में है, और सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस कौन सी डायरेक्शन मानी जाती है। सो आज हम बात करने जा रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन की, यानी उत्तर दिशा। जिन लोगों का घर का मेन एंट्रेंस डोर जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, ये बहुत बहुत शुभ एक दिशा मानी जाती है, ऑस्पिशियस डायरेक्शन मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये स्थान है यक्ष कुबेर का, गॉड ऑफ वेल्थ जिन्हें बोलते हैं। एक होता है गॉड ऑफ मनी, ये है गॉड ऑफ वेल्थ, यानी कि बहुत सारा पैसा, बहुत सब कुछ जो आपको चाहिए लाइफ में, एवरीथिंग यू विल गेट। कैसे? क्योंकि फाइनेंसेस जो हैं यहाँ पे रहने के बाद आपके बेटर और बेटर होते रहते हैं, आपको फाइनेंशियली अच्छा करने में ये जो डायरेक्शन है ये हेल्प करती है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं लाइफ में, करियर ग्रोथ होती है, प्रॉस्पैरिटी आती है, हैप्पीनेस आती है। ये सारी चीज़ें जो हैं लाइफ में ये डायरेक्शन का मेन डोर आपके लिए लेकर आता है। द थिंग इज़ कि जब नॉर्थ फेसिंग हाउस होता है, नॉर्थ फेसिंग एंट्रेंस डोर होता है, तो उस घर में और क्या क्या चीज़ें ऐसी करें जिससे कि ये जो ऑस्पिशियसनेस है, ये जो प्रॉस्पैरिटी है, ये और बढ़ जाए, एक्टिवेट हो जाए उसकी एनर्जीज। सो देर आर फ्यू टिप्स जो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ, हालांकि और भी बहुत सारी हैं, बट एज पर वास्तु क्या होना चाहिए, जो नॉर्थ का मेन डोर है आपका, उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रखेंगे। यानी कि जब भी आप ये देखिए, जो जो भी एनर्जीज आए, आप ये पहले से ही अफर्म कीजिए कि अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं, गुड अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं हमारी लाइफ में इस मेन डोर के थ्रू, राइट? तो बहुत अच्छे से डेकोरेट करेंगे इसको। कैंडल्स वगैरह जो छोटी छोटी आती है ना, अरोमा कैंडल्स या फिर डेकोरेटिव आइटम्स, रिलीजियस आइटम्स, उनको आप प्लेस कीजिए अपने मेन डोर पे। एक स्पिरिचुअल सा, रिलीजियस सा जो लुक है वो आप दीजिए। एंड विद दैट आप छोटी सी उरली जो कि जिसमें पानी भर के फ्लावर्स डाल के वो आप मेन डोर पे अपने रखिए। विद दिस आप कुबेर, लॉर्ड कुबेर की जो मूर्ति है वो मेन एंट्रेंस पे आप लगा सकते हैं, और गणपति जी की मूर्ति चाहे वो आप मेन डोर के बाहर लगाएं, अंदर लगाएं, जैसे आपको ठीक लगता है उस तरीके से आप उसको प्लेस कर सकते हैं। एंड घर के नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मेटल के विंड चाइम्स लगाइए। जब भी हवा चलेगी और ये जो विंड चाइम्स हैं, इनकी जो साउंड होगी, इससे बहुत पॉजिटिव एनर्जीज जो हैं वो घर में फ्लो करेंगी। एंड विद दिस हाँ, कैम्फर यानी कि कपूर अपने घर के सारे कॉर्नर्स में आप किसी बाउल में रख सकते हैं, या बॉल ऑफ कैम्पर, कैम्फर आता है, और वो आप किसी छोटे छोटे बाउल्स में रख दीजिए। कैम्फर जो है कपूर, वो थोड़े टाइम बाद ख़त्म हो जाता है, उड़ जाता है, उसकी एनर्जीज जो हैं वो फैल जाती हैं आपके घर में, यानी नेगेटिविटी को वो दूर करती हैं और पॉजिटिविटी को बनाए रखती हैं। सो जब ये ख़त्म हो जाता है आप इसको दोबारा से प्लेस कर दीजिए, लेकिन ये आपके घर के सभी डायरेक्शंस में, सभी कॉर्नर्स में रहना चाहिए, ये आप ज़रूर करेंगे। एंड एक मनी प्लांट नॉर्थ डायरेक्शन में आप ज़रूर लगाएं। सो ये जब सारी चीज़ें आप करते हैं घर के नॉर्थ मेन एंट्रेंस होने पे, तो आप देखेंगे कि कैसे आपको सभी तरफ से आपकी लाइफ को ग्रो करने के लिए, आपके करियर को ग्रो करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आपको सक्सेस मिलती है, प्रॉस्पैरिटी मिलती है, हैप्पीनेस रहती है घर में। सो ये सब चीज़ें आप फॉलो कीजिए एंड यू विल सी कि ये जो घर का नॉर्थ मेन फेसिंग डोर है आपका, ये आपके लिए कितनी ऑस्पिशियसनेस लेके आता है आपकी लाइफ में।